यही अलॉय व्हील अलॉय व्हील भैया टॉप मॉडल वाले 15 इंच वाले डायमंड कट वाले भी डायमंड कट वाले जो कि 24,500 प्लस में लग के आते हैं 24,500 के विद इंस्टॉलेशन 24,500 आरएस ग्रिल भी है इंपोर्टेड वाली एबीएस वाली 2600 रुपए की भाई ये वाली टॉप मॉडल की हेडलाइट है भैया ठीक है इसकी जो प्राइसिंग होती है भैया 24,500 होती है मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है ये ताइवान वाली V1 वाली हेडलाइट है इसमें क्या है ये DRL व्हाइट है ये इंडिकेटर ऊपर मैट्रिक्स चलता है मिनी कूपर वाली टेल लाइट भैया 12,500 टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग है सिल्वर वाला जो आता है ये भैया 5,500 दो स्पीडोमीटर आ गया टॉप मॉडल वाला स्पीडोमीटर की प्राइसिंग जो अभी 9,500 रुपए है टॉप मॉडल वाले टेल लाइटों में भैया देखो अभी जो सबसे ज्यादा चलने वाली टेल लाइट है मर्सिडीज जी क्लास वाली जो आती है जो ये स्कैनिंग वाली टेल लाइट आती है भैया इसकी प्राइस रेंज जो है भैया 8,000-8,500 क्योंकि बेस्ट प्राइसिंग होगी भैया 13,000-13,500 सारा काम करवाने वालों के लिए और जो खाली मेन पावर विंडो लगवाते भैया 13,500 प्लस 1,000 रुपए लेबर देना पड़ेगा स्पीडोमीटर आ गया टॉप मॉडल वाला स्पीडोमीटर की प्राइसिंग जो अभी 9,500 रुपए है टॉप मॉडल वाले 9,000 रुपए बहुत बढ़िया पीछे भी एक डिजायर वाला भी रखा हुआ है डिजायर वाला मीटर जो है वो 10,500 का 10,500 का फाइन ईयर का कॉम्पोनेंट को एक्सल भैया 6700 JBL का कॉम्पोनेंट को एक्सल भैया 6700 ईयर डिफ्यूजर भी अवेलेबल होता है हमारे पास वो आपको 2,000 रुपए का पड़ेगा बड़े वाला मर्सिडीज वाला 17,500 रुपए की टेल लाइट आपको मिल जाएगी ताइवान वाली हाँ जी ताइवान वाली लैम्बोर्गिनी स्टाइल गाइस कैसो आप लोग तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एक्सेसरीज पर मनीष भैया के साथ कैसो भैया बढ़िया बढ़िया तो आज तो भाई लास्ट टाइम आप लोगों ने थार वगैरह देखी होगी और आज आप देख रहे हो स्विफ्ट बिकॉज भाई जो रेडी करते हैं वो करते हैं आर पार लेवल है ना तो अब आज हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं बहुत सारी एक्सेसरीज है शुरुआत करते हैं मनीष भैया से भैया क्या क्या दिखाने वाले हैं आज भैया देखो आज दिखा देते हैं स्विफ्ट LXi से ZXi जो हम बनाते हैं ओरिजिनल पार्ट तो हम इतने टाइम से दिखाते हुए आ ही रहे हैं वो भी हम दिखा देंगे इस वीडियो में और इसके अलावा हम लोग ना मेन हेडलाइट है टेल लाइट है ग्रिल प्रोजेक्टर जो भी है वो सब कुछ दिखा देंगे विद प्राइसिंग के साथ भैया और एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई ये जो जगह है जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये हमने एक्स्ट्रा में मान लो भैया ने खुद मेरी बाहर वाले इधर से लेकर 3-4 फ्लोर तक ऊपर तक है जहाँ पर हम वीडियो रख के नहीं बना रहे बट हमने सोचा कि आप लोगों को एक तरीके से दिखाते हैं हमारे पास एक गोडाउन भी थार वाली बनाई थी तो उसमें रिस्पांस मतलब बढ़िया आया था देखने में भी मजा आया उस चीज में तो हमने सोचा स्विफ्ट पे भी यहाँ पे आपकी सारा कुछ रख के एक्सेसरीज आपके लिए वीडियो एक बनाई जाए तो वो हम आपके लिए बना रहे हैं एक गोडाउन इसके अलावा और है जहाँ पर सारे इसके अलावा दो और दो और गोडाउन है जिसमें सारे सामान रखे होते हैं यानी कि आपको एक फ्रेम में जिस वीडियो में सारी चीजें देखने को मिलती है वो है माही कार एक्सेसरीज की है ना जो कि हमारे चैनल पे डलती है बात करते हैं भैया क्या क्या दिखा रहे हैं भैया देखो सबसे पहले ना हम लोग हेडलाइट टेल लाइट से ही दिखा देते हैं ठीक है फिर इसका डोर पैनल शुरुआत करते हैं मोटी चीजों से जिनके लगने के बाद LXi वेरिएंट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है ना तो सबसे पहले भैया फ्रंट या बैक फ्रंट भैया सबसे पहले भैया हम लोग दिखाते हैं हेडलाइट हेडलाइट जो है ये वाली टॉप मॉडल की हेडलाइट है भैया ठीक है इसकी जो प्राइसिंग होती है भैया 24,500 होती है मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है ये मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है भाई ये वाली कुछ होती है और ये ऐसा नहीं है कहीं आफ्टर मार्केट निकल के आती है ये मारुति जेन्युइन बिल्कुल जेन्युइन मारुति जेन्युइन हेडलाइट होती है और इसकी DRL जो है बहुत ब्राइट होती है और इसकी जो प्राइसिंग है वो 24,500 है भैया 24,500 में आपको ये वाली मिल जाएगी भाई हेडलाइट अगर आप लोग शौकीन हो टॉप मॉडल जैसी हेडलाइट के और अगर आप कर रहे हो गाड़ी को मॉडिफाइड और आपको चाहिए कुछ डिफरेंट तो फिर उसके लिए ताइवान वाली हेडलैम्प भी उसके लिए हमारे पास एक ये वाली हेडलैम्प अवेलेबल है जो कि आपने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो और एक वो जो पुराना डिजाइन था ये पुराना डिजाइन है इसमें भी दो तरीके के डिजाइन आते हैं एक ये आता है एक डबल DRL आता है सारे रेडीली स्टॉक होता है भैया ये वाली जो हेडलाइट है जो 3 डॉट्स वाली अभी बहुत ज्यादा चल रही है भैया ये 14,500 की रेंज की हेडलाइट होती है 14,500 रुपए की विद हैलोजन बल्ब के साथ जो कि हैलोजन बल्ब के साथ ठीक है जो कि आती ही ऐसी है इसके अंदर आपको क्या मिलता है देखो दिखने में दोनों सेम है बट इसमें DRL चलता है इसकी DRL बहुत ब्राइट है भैया सबसे जो ज्यादा ब्राइट होती है वो टॉप मॉडल की DRL होती है टॉप मॉडल वाली की होती है और इस वाली की क्या है इसमें आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन इसमें इंडिकेटर मैट्रिक्स मिल जाता है भैया इंडिकेटर रनिंग करते हैं वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है भैया ठीक है भैया इस वाली में क्या क्या रहता है और भैया ये ताइवान वाली V1 वाली हेडलाइट है इसमें क्या है ये DRL व्हाइट है ये इंडिकेटर ऊपर मैट्रिक्स ऊपर चलता है हाँ जी भैया और सेम एज इट इज इसकी तरह ही एक दो आती है जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ DRL होता है ऊपर नीचे दोनों DRL है ना तो ऐसी हेडलाइट आपने मेरी पुरानी वीडियोस में जाके चेकआउट कर लेना और इन हेडलाइटों के अलावा भी है कि ये जो अपनी गाड़ी भी सामने है दिखा दो एक ये वाली हेडलाइट जो हम लोग टॉप मॉडल वाली भैया बना के लगाते हैं और इसको तो हमने इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको ये वाली हेडलाइट की पूरी वीडियो देखने के लिए मिल जानी तो भूलना मत सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मेरी वाली गाड़ी की वो वाली हेडलाइट जो है भैया 22,500 की रेंज की 22,500
ताइवान 22,500। एक चीज बता देते हैं, देखो बहुत लोग ना ये कहते हैं, इसको कहते हैं कि ताइवान वाली हेडलाइट है आपके पास, क्या है कि लोग जैसे डाल देते हैं तो कस्टमर्स को कहते हैं कि आज भैया ये ना ताइवान की हेडलाइट, बट ये ताइवान की हेडलाइट नहीं है भैया, और ये एक ही आती है। अच्छा, ये ताइवान की हेडलाइट नहीं है, 14,500 की रेंज की हेडलाइट होती है, कोई 16,000 या 17,000 की आपको बेच भी रहा होगा तो, लेकिन ये ताइवान की हेडलाइट, ताइवान की हेडलाइट वो है जिसको V1 बोला जाता है, वो सोनार ब्रांड की हेडलाइट होती है भैया, सोनार ब्रांड की हेडलाइट होती है ये वाली ताइवान, जिसको हम असली ताइवान जो होती है वो ये होती है, लेकिन मार्केट में जो ताइवान होगा उसके हेडलाइट पे ताइवान एम्बोज्ड होता है भैया। अच्छा, ये वॉलमैक्स की हेडलाइट आती है, वॉलमैक्स है। हाँ जी भैया, तो ये वाली वॉलमैक्स हो गई है। सच्चाई देखो आपको हमेशा मनीष भैया बताते आते हैं, वो इसीलिए ताकि कहीं भी गुमराह आपको, हाँ, मतलब ये ना लगे कई कस्टमर हमसे भी आके बोले कि भैया ताइवान वाली हेडलाइट है, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी भैया कौन सी वाली, फिर फोटो दिखाते भैया ये 3 बॉक्स वाली, ये ताइवान नहीं होती भैया। हालांकि भैया बताते न्यूज़ टाइम पर कि ये ताइवान है कि नहीं, क्योंकि उनको ये होना था यहाँ चाहिए तो ले जाओ, से वैसे हो जाता है ना, टॉकिंग में दिक्कत हो जाती है, हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सी क्या दे रहा होगा ना, लेकिन ये एक हेडलाइट जो है वो यही वाली अकेली एक आती है, बाकी इसके अंदर 4-5 मॉडल आते हैं, 4-5 मॉडल भैया के पास ऑन इन स्टॉक अवेलेबल भी होते हैं, अगर आपको चाहिए तो भैया से कोऑर्डिनेट करो और ले लो। अब बात करते हैं इसके अलावा सारी टेल लाइटों की जो कि आपकी गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल हो, टेल लाइटों में भैया देखो अभी जो सबसे ज्यादा चलने वाली टेल लाइट है मर्सिडीज ई क्लास वाली जो आती है, ये देखो जो ये स्कैनिंग वाली टेल लाइट आती है भैया, इसकी प्राइस रेंज जो है भैया 8,000-8,500, इसके दो प्राइस इसलिए बोलूंगा भैया, कई बार स्टॉक कम रहता है तो 8,500 होता है, स्टॉक अवेलेबल होता है तो 8,000 में भी लगा देते हैं, 8,000 में भी लगा देते हैं, तो भाई इसके दो प्राइस हैं, बाकी इसके अंदर स्कैनिंग वाली होती है, एक ये वाली होती है और एक रेड में भी आती है, एक रेड में भी आती है, ठीक है, तो और रेड में भी आपको क्या क्या, रेड में जो है इसकी प्राइसिंग अगर स्कैनिंग में लोगे तो वही भैया 8,500 पड़ेगा, नॉन स्कैनिंग लोगे तो 8,000 मिल जाएगा, ठीक है, तो भाई देख रहे हो दोनों में क्या क्या फर्क है आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद मिनी कूपर वाली टेल लाइट भैया 12,500, ये देखो भाई पूरी प्योर मिनी कूपर जैसे आपको देखने को मिली होगी ना, मिनी कूपर मिनी कूपर स्मोक, एक रेड भी आती है ना इसमें, रेड आई थी मतलब कम आए थे वो ना, उसके बाद फिर दोबारा आया, दोबारा नहीं आया, ठीक है, तो अभी फिलहाल वैसे अच्छी यही वही लगती है, स्मोक भी ज्यादा टेल लाइट है, स्मोक और क्लियर, पता क्या जब से ना अब इधर आके क्या हुआ, जैसे हम लोग शुरू में लगाते थे तो उसमें क्या है कि ये वाली टेल लाइट बहुत बिकती थी, लेकिन इधर आके ना लोगों को प्राइस रेंज से मतलब हो गया, ठीक है, पहले तो क्या थी प्राइस रेंज से मतलब नहीं था, तो टेल लाइट पहले लोगों को गाड़ी बनानी थी, हां अब लोगों को प्राइस से मतलब, अब लोगों को प्राइस से मतलब, बिकॉज ऑफ इस टाइम पर स्विफ्ट के रेट जो है वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, और नई स्विफ्ट प्राइसिंग, हां नई स्विफ्ट आने, लेकिन उस टाइम पे ना लोग नहीं देखते थे, उस टाइम पे कहते जो बढ़िया से बढ़िया, इसकी लुक अलग आती है, जो मिनी कूपर की लुक है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया आती है, लुक हमने बहुत सारी गाड़ी के अंदर ये भी इंस्टॉल, उस टाइम वी लाइन भी सबसे ज्यादा बिकने वाली टेल लाइटें थी, तो ये भी हम लोगों को कम पसंद आती है, क्योंकि वो टेल लाइट ही इतनी सस्ती हो गई है, तो इसलिए ये कम पसंद आती है, ये वाली भी 11,500 की रेंज की होती है, इसमें रेड कलर भी अवेलेबल होता है, वो 10,500 का होता है भैया, ठीक है, मतलब दोनों उसके जो भी प्राइस है अलग अलग, वो आपने दोनों शेयर कर दिए, ये न्यू डिजाइन वाली टेल लाइट भी, ये भी कम लोगों को पसंद आती है, हाँ जी, जो स्कैनिंग वाली है, ठीक है, तो ये भी 10,000 जो मर्सिडीज वाली है उसके अंदर, हाँ, थोड़ा सा डिजाइन का थोड़ा क्या भैया, मेन तो डिजाइन का ही फर्क होता है, तो जिस भाई को अगर कुछ अलग से यूनिक बनानी है वो ये वाली नई वाली टेल लाइट लगा सकता है, हालांकि इस टाइम पर इस बीच में बहुत सारे लोगों ने ये वाली टेल लाइट लगवाई है ना, ये सोचकर कि यार कुछ नया आया तो हम ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भाई खुशी होगा दुखी नहीं होगा, क्योंकि फीचर्स तो सेम ही है, और कम से कम एक ये वाली और ये हेडलाइटों का मिक्सचर मान लो, ये वाली हेडलाइट है ना, टेल लाइट सॉरी, और क्या क्या भैया इसके अलावा भैया हम OEM पार्ट पे आ जाते हैं, OEM पार्ट में सबसे पहले पावर विंडो की बात करते हैं, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया पावर विंडो की प्राइसिंग अभी देखो 13,000-13,500 दो रेट इसलिए बोलूंगा भैया, कई बार ऐसा होता है कई लोग ना फोन पे क्या कहते हैं कि भैया मैं हमने बोला 13,500 उन्होंने बोला 13,000 तो कस्टमर को लगता भैया ये 500 के डिफरेंस को मत देखो, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा प्राइसिंग नहीं लगाते, हाँ मैं अभी भी एक बात बोलूंगा भैया, अगर आप खाली पावर विंडो लगाने आओगे तो भैया मैं 13,000 या 13,500 की नहीं लगाऊंगा, 13,500+1,000 रुपये आपको लेबर देना पड़ेगा, सारा ऑल ओवर काम कराओगे तो 13,000 की भी लगाऊंगा 13,500 की भी लगाऊंगा, ठीक है, तो मतलब ये दोनों जो भी भाई की मैं बता दिया कि भैया ये ना बोले ना कोई भी आगे भैया कि आप हजार, देखो भैया एक टाइम कैंची तो इतनी खत्म है शुरू से ही, अभी तक जो है राइट साइड की कैंची नहीं है, लेफ्ट की कैंचियाँ नहीं है, 800-800 रुपये की वही कैंची हो गई है, अब कस्टमर जैसे कई बार आ भी जाते कहते भैया आपने तो वीडियो में इतना बोल रखा है अभी इतना मांग रहा हूँ, हम भैया ना 15 मांगे ना 16.5 मांगे कभी अभी तक आज तक मांगा नहीं है, लेकिन जो अभी की बेस्ट प्राइसिंग होगी भैया 13,000-13,500 सारा काम करवाने वालों के लिए, और जो खाली मेन पावर विंडो लगवाते भैया 13,500+1,000 रुपये लेबर देना पड़ेगा आपको, चलो भाई तो ये चीज है, बाकी भाई सभी जगह सेम प्राइस है, सब जगह सेम ही प्राइस होता है भैया, कई लोग स्पेशल वायर लिख देते हैं, कई लोग कुछ लिखते हैं, बात बराबर बाद में आपको जो चीज बताई जाती है, जो आपका मिरर वाला स्विच है अगर आप बोलोगे तो मैं वो लगा के दे दूंगा आपको साथ में भैया, नहीं तो हम डमी तो लगा के देते ही, यानी कि जब आप पावर विंडो लगा रहे हो बट साइड मिरर नहीं लगा रहे हो तो भैया आपको एक
डमी वाली जगह तो हम भर के देते ही हैं, अगर आपको जरूरत है कि नहीं भैया मेरे को मिरर वाला सीट लगा दो, मैं वो भी लगा। एज पर अवेलेबिलिटी अगर बटन अवेलेबल होगा तो आपकी गाड़ी में 100% वो लग के ही जाता है। बहुत सारी गाड़ी मैंने आपको लगा के दिखा भी रखा है कि मिरर नहीं लगा बट वो स्विच लगा हुआ लगा देते है ना। तो उसके बाद स्पीडोमीटर आ गया टॉप मॉडल वाला, स्पीडोमीटर की प्राइसिंग जो अभी 9,500 रुपए है टॉप मॉडल वाले। 9,000 रुपए बहुत बढ़िया। पीछे भी एक डिजायर वाला भी रखा हुआ है, डिजायर वाला मीटर जो है भैया वो 10,500 का, 10,500 का। तो 9,500 और 10,500 ये विद इंस्टॉलेशन के साथ, विद इंस्टॉलेशन है भैया। बाकी कपलर टू कपलर होता है, कपलर टू कपलर होता भैया, इसमें कुछ नहीं होता। इसके अलावा भैया स्टीयरिंग दिखा देते हैं टॉप मॉडल वाला। जो टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग है सिल्वर वाला जो आता है ये भैया 5,500 दो प्राइस इसलिए बोलना पड़ा भैया, कई लोग ना 4,500 भी देते हैं 5,000 भी देते हैं। अगर कस्टमर बोले कि 5,000 का मिल रहा है तो भैया 5,000 का भी लगा लो। वैसे जो प्राइसिंग इसकी है वो 5,500 रुपये होती है भैया टॉप मॉडल वाले की। VXI वाला जो स्टीयरिंग है इसका प्राइसिंग भैया 3,500 होता है, 3,500 होता है। लोग इसी को टॉप मॉडल वाली बोलकर लगा देते हैं, इसको दिखाना पड़ता भैया। देखो ये ना एक ही पीस होता है, ये सिल्वर नहीं है, जो सिल्वर वाला पार्ट होता है उसकी प्राइसिंग होती है भैया 5,500। उसमें आपको ऑलरेडी कवर भी चढ़ा हुआ मिलता है, कवर जो आपका स्टीयरिंग कवर होता है, स्टीयरिंग कवर उसमें लगा हुआ है भैया, है ना, लगा हुआ है ना उसमें पहले से ही कंपनी से मारुति जेन्युइन कवर और साइड वाला जो पैनल है ये वाला सिल्वर आता है, देख रहे हो। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। बाकी भाई आपके आपकी मर्जी, आप यह लगाओ, ये सस्ता ही पड़ेगा आपको, और साथ में आप इसके ऊपर एक रैप करा लो जैसे भी आपका मन करता है वैसे करके। इसके अलावा भैया साइड मिरर होता है, मेन साइड मिरर ब्रांड न्यू भैया डब्बा पैक साइड मिरर जो है वो 8,500 रुपए का है। रिले अगर बोलते हो मेरे को की को मतलब की से बंद करने मिरर तो 1,200 रुपए की रिले आती है, 1,200 रुपए की रिले आती है। जब आप रिमोट से चाहते हो कि बटन दबाया और आपके शीशे जो है वो क्लोज हो गए, हाँ तो वो तब आती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भैया असेंबली वगैरह और क्या क्या, भैया ये फॉग लैंप वाली असेंबली है ये 1,200 रुपए की विद इंस्टॉल। ये असेंबली भाई आपको कोई भी मेरे ख्याल से नहीं दिखाई होगी अभी तक किसी ने, असेंबली हम नहीं दिखाया, मतलब दिखाते हैं और लोग भी दिखाते हैं, 1,200 की प्राइसिंग है बट ये इंस्टॉलेशन हम खुद ही करके दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमें किसी और को बुलाने की जरूरत भी नहीं है इसको लगाने के लिए, और अच्छे प्राइस में आपको ये भी मिल जाती है 1,200 रुपए की ये होती है। इसके अलावा भैया इनर हैंडल हो गया 900 रुपए की है, 900 का, 900 रुपए का इनर हैंडल चारों, क्या बात है, 1,000-1,200 रुपए की चीज जो थी वो 900 रुपए में आज आपको मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं अंदर का IRVM IRVM सॉरी IRVM बोल लो कितने का, 450। हाँ जी भैया, भाई वाह क्या, 450 में आपकी जिंदगी बच जाएगी समझ लो। रात को गाड़ी चलाते हो, भूपे लाइटें पड़ती हैं, तो ये लगवाओ 450 में कुछ नहीं जाता, लेकिन बहुत सुकून मिलता है आप जब लंबे। अभी हमने डिग्गी लॉक नहीं निकाल रखा है इसमें, डिग्गी लॉक की जो प्राइसिंग है भैया 2,200 ज्यादा नहीं होगी, 2,200 बस यही प्राइसिंग होता है भैया। इसके अलावा भैया कोई हम लोग देखो ना पावर विंडो की कोई लेबर अलग है ऑल ओवर काम में, और ना डिग्गी लॉक की कोई लेबर अलग ऑल ओवर काम में ना वो अलग है, ठीक है। उसके अलावा भैया और क्या क्या लगता है जेन्युइन में, एक वो ही बता दो सेंटर लॉकिंग का बता। सेंटर लॉकिंग भैया देखो हम लोग पता क्या ना अब ना क्या हो रहा, कई लोग कहने लगे 3,000 रुपए की वो सेंटर लॉकिंग देते हैं, आधे ज्यादा कस्टमर को पता ही नहीं होता कि हम लोग फ्लिप की वाली लगाते हैं। फ्लिप की वाली हम हमेशा से यही हमने फ्लिप की वाली लगाई जी भैया, फ्लिप की वाली जो सेंटर लॉकिंग है भैया ये वाली 3,450 रुपए की होती है भैया, ये होती है कुछ फ्लिप की वाली। अब आप बोलोगे भाई ये गोल्डन गोल्डन कैसी, तो मैं इस पे कवर चढ़ा रखा वैसे ब्लैक होती है, तो कवर अगर अवेलेबल होगा आपके लिए क्योंकि बहुत कमी है, कवर अवेलेबल नहीं होता है भैया, कवर मैं नहीं लगाऊंगा। 3,450 रुपए की फिलिप की वाली सेंटर लॉकिंग फिट करके दूंगा। मैंने तो भाई ढूंढी थी कश्मीरी गेट में जाके तो मिल गया था मुझे कवर, बाकी आप लोग भी जाके ट्राई कर सकते हो, कवर आता है इसका ये वाला। और क्या क्या चीज है भैया, फॉग लैंप भैया मिंडा की फॉग लैंप आएगी, मिंडा की फॉग लैंप जो है भैया 1,300 रुपए की फॉग लैंप है फिटिंग के साथ, कवर हेलोजन बल्ब के साथ, कवर जो अगर लगाओगे तो कवर के साथ भैया 1,500-1,300 यही प्राइसिंग रहता है भैया। और कवर ना लगा कवर सकता है, नहीं लगेगा भैया, मारुति जेन्युइन कवर होगा तो भैया 1,500 के आसपास पड़ेगा। कवर की भी प्राइसिंग दिखा देता हूँ, ट्विटर सेस भी दिखा देते हैं भैया, ये फ्री होता है, जब भी अवेलेबल होगा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे इस चीज़। जब भी अवेलेबल होगा ये मत बोलना कि भैया ये लगा के दो, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं लगाऊंगा, होगा तो पैसे नहीं लूंगा। और गाड़ी में अगर कंपोनेंट लग रहा है आपकी गाड़ी के अंदर, कंपोनेंट सिस्टम का काम अगर हो रहा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। ये फॉग लैंप का कवर है भैया, इसकी MRP है, ठीक है, MRP जगह कोड कर लो भाई, ये लो कितनी है, 95 ओनली, बहुत कम है भैया, मैं 9500 कह रहा हूँ, 95 ओनली, 95 रुपए का एक साइड का कवर है। आप ये मत समझना दोनों साइड, मतलब हेडलाइट की जो मैंने बात करी है वो जितना प्राइस बताया वो आपका दोनों साइड का है, टेल लाइट दोनों साइड की है। और अगर पावर विंडो की बात है तो उसमें चारों गेटों के गत्ते चेंज होते हैं, चारों गेटों के जो कैची होती है जो वो सारा इंक्लूड होता है, सब इंक्लूड है उसके अंदर। तो कोई भाई अगर कमेंट करना चाह रहा हो कि भाई हेडलाइट एक का प्राइस था, टेल लाइट एक का प्राइस था, तो नहीं 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 वो सारा जितनी गाड़ी में जितना लगता है उतने का प्राइस है जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
भैया ये अलॉय व्हील, अलॉय व्हील भैया टॉप मॉडल वाले 15 इंच वाले डायमंड कट वाले, भैया डायमंड कट वाले जो कि 24,500 प्लस में लग के आते हैं, 24,500 के विद इंस्टॉलेशन 24,500। भैया टायर का जो डिफरेंस आएगा वो आपको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा क्योंकि ये 14 और 15 इंच मेरे ख्याल से टायर का डिफरेंस 4,000 से 5,000 रुपए का आता है, वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। आपका वाला टायर चले जाएगा और आपको जो भी अपग्रेड होगा तो वो ऑब्वियसली बात है 14 इंच है और 15 इंच तो फर्क तो आएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें, आरएस ग्रिल भी है इम्पोर्टेड वाली, एबीएस वाली 2600 रुपए की, ठीक है। शुरू से ही हमने ये दिखाया है, इसकी क्वालिटी देख लेना भैया, ये इंडियन नहीं है, इंडियन एक आता है भैया, अभी समझा देता हूँ इंडियन कौन सी होती है, वो देख लो जो आएगी ना भैया, ये पूरे पन्नी में लपेटी हुई, ठीक है, हार्ड पन्नी में, वो इंडियन ग्रिल है, वो इंडियन ग्रिल, इस पे जो आती है इस पे ना बबल रैप वाला, बबल रैप वो जो पटपट करता है, पटपट वाला, ये वो होता है। तो दोनों में ये फर्क है, पैकिंग जब आपके सामने अगर खुली है तो समझ जाना कि, और क्वालिटी देखो इसमें ना कहीं भी पेंट में आपको फिनिश में कोई कमी नहीं आएगी, ये 2600 रुपए की होती है, ये इम्पोर्टेड है पूरी, तो ये समझ लो एकदम चाइना से पूरी बनी हुई जो आती है ना तरीके से मशीन द्वारा, वो चीज है ये वाली, तो इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल अलग है। ये कितने की बताई भैया आपने, 2600 रुपए, 2600 रुपए जो कि आपके ओईएम बम्पर, डिफ्यूजर भी हमने नहीं दिखाया भैया, रियर डिफ्यूजर भी अवेलेबल होता है हमारे पास, वो आपको 2000 रुपए का पड़ेगा भैया, बड़े वाला बड़ा वाला मर्सिडीज ना, मर्सिडीज वाला जो आता है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला, वो वाला आपको पड़ता है। और क्या क्या चीज है भैया, इसके अलावा भैया फॉग लैम्प का प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प तो ये लगा लो, हमने ऑप्शन बहुत सारे दिखा दिए हैं, खरीदने की जरूरत तो पड़ती नहीं है आपको, अगर हेडलाइट लगा रहे हो ये वाली या कोई सी भी लगा रहे हो, और इन हेडलाइटों को नहीं भी लगा रहे हो तब भी अगर आप इनमें से कोई सा फॉग लैम्प लगा लेते हो ना आपको मजा, भैया सारे के सारे फॉग लैम्प बहुत फेमस है, Q8 प्रो है भैया, Q8 प्रो ट्राई कलर है, ठीक है, डबल लेजर वाला प्रोजेक्टर है, जूम का प्रोजेक्टर है, AES का F1 है, ये IPS 617 है, ठीक है, ये हो गया आपका भैया AES का प्रोजेक्टर, ठीक है, और ये वाला आपका हो गया, ये IPS प्रोजेक्टर, ये 1800 का होता है, ये 1800 का होता है, इसके अंदर आपको LED अलग से डालनी होती है, बाकी सबके अंदर LED डली मिलती है आप लोगों को, ये ट्राई कलर में होता है जिसमें आप ट्राई कलर का जो प्राइस रेंज है भैया वो होगा आपका 5000 रुपए, में आपको तीन कलर मिल रहे हैं उसके अंदर आपको ना, एक मिलता है आपको येलो, एक बार फिर बंद करके चलाओगे तो व्हाइट हो जाएगा, फिर बंद करके चलाओगे तो वॉम व्हाइट हो जाएगा, तीनों कलर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और भैया अपना ये वाला ये Q8 Pro भैया ये 8000 रुपए की रेंज का है, 8000 के अंदर आपको मिल जाता है, अगर आपको बहुत पावरफुल प्रोजेक्टर चाहिए तो भैया तो आप ये लगा सकते हो, पावरफुल ना, इतना पावरफुल कि मैं स्पीति कश्मीर घूम आया, मेरे को हेडलाइट चालू करने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, अप्रोक्स मुझे एक साल इसको आए हुए हो गया और एक साल मुझे लगाए भी हो गया, मेरी गाड़ी में लगा भी हुआ, अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो ये देखो ये प्रोजेक्टर लगा हुआ सेम, क्या बात है, आज तक मजा दे दिया इसने, कभी खराब भी नहीं हुआ। और क्या क्या भैया, इसके अलावा भैया LED जो हम लोग हेडलाइट में लगाते हैं 340 वॉट, 120 वॉट, 180 वॉट, ठीक है, सारे LED हमारे पास अवेलेबल होती है भैया, ये मान के चलो अगर आपको भैया देखो कोई भी ना हेडलाइट में हल्की LED तो लगवाता नहीं है, कम से कम 3500-180 वॉट, उससे कम वोल्टेज की हम लोग लगाते नहीं है, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे तो 340 भी है, 320 भी है, 220 भी है, वो सारे अवेलेबल होते हैं भैया। और भैया मैं अगर लुक से हट के बात करूँ, जैसे ये तीन हेडलाइट हमारे पास है, अगर इनकी लुक से हट के बात करूँ, हमारी जो बेस मॉडल वाली हेडलाइट आती है उसका रिस्पांस LED डालने के बाद ज़्यादा मिलेगा हमें, या फिर इनमें से किसी का मिल सकता है? नहीं, इनमें से किसी का भी वैसा फोकस नहीं होगा, नहीं होगा ना, तेज नहीं। लाइट नहीं होगी, अगर उनमें से किसी का फोकस ज़्यादा होगा तो वो होगा F1 का। अच्छा, ये हेडलाइट खोल के जो अगर हम प्रोजेक्टर डालेंगे तो ये सबसे ज्यादा होगा भैया, तो मतलब हम अगर सिर्फ LED भी डाल दें तो भी तेज है भैया, स्विफ्ट जैसी गाड़ी में LED का थ्रो बहुत अच्छा आता है, नीचे प्रोजेक्टर कोई सा भी लगा लो और ऊपर LED लगा लो तो रोशनी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो हेडलाइट में ही इनको हटाकर कुछ कस्टमाइज किया जाए तो F1 का प्रोजेक्टर लगा लो, ये बहुत बढ़िया, इतनी तेज होगा कि इसका तो हमने वीडियो अलग से डाला ही हुआ है, खाली प्रोजेक्टर का ये आप लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, फेमस है भैया, इसके अंदर ऐसे दो प्रोजेक्टर ही पकड़ के खड़े हुए हैं, तो वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अप्रॉक्स एक साल पहले। इसके अलावा हम लोग स्टीरियो स्पीकर लगा देते हैं, यहाँ तो हमने कमी लगाया हुआ है, पाइनियर का कंपोनेंट को एक्सल भैया 6700, JBL का कंपोनेंट को एक्सल भैया 6700, इसके अलावा भैया स्टीरियो जो है वो समझ लो 4000 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है, 5000-5500 मेन ना भैया कस्टमर ना यहीं पे आगे फंसते हैं स्टीरियो स्पीकर में ना, कि कौन सा ब्रांड लेना है, क्या लेना नहीं लेना, कई जो शरीफ होते हैं वो लगा लेते हैं कौन सा JXL का स्पीकर, तो वो सब नहीं रखते, जो भी लगाओ ब्रांडेड लगाओ भैया, अच्छा लगाओ सारे यहाँ पे भी। ये तो खैर एक अलग दुकान है जिसके अंदर कोई काम भी नहीं चलता, ये सिर्फ भैया ने खरीद के पता नहीं क्यों, मैं यहाँ पार्किंग में लगाता हूँ गाड़ियाँ ना, अच्छा, पार्किंग के चक्कर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भाई आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जरूर दिख रही होंगी, लेकिन जो मैंने आपको दिखा रखी है माही कार वाली शॉप पे वो ब्रांडेड है सारी की सारी, और सारी आपको तरीके से बढ़िया लगी हुई मिलती है आपकी गाड़ी के अंदर, और साउंड की बात करें तो बेस्ट बेस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो मर्जी चीज़ लगा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। और भैया जो भी प्राइसिंग हमने ये वाली टेल लाइट भी नहीं दिखाई भैया, अच्छा, ये वाली टेल लाइट भैया 17,500 रुपए की रेंज की टेल लाइट, 17,500 रुपए की टेल लाइट आपको मिल जाएगी ताइवान वाली, हाँ जी ताइवान, ताइवान वाली लैम्बोर्गिनी स्टाइल। और क्या कहते हैं भैया आप इसके अलावा, मैंने कहा भैया कि जो भी हमारी प्राइसिंग है वो बेस्ट
बेस्ट प्राइस दूंगा भैया, कहीं भी प्राइसिंग में कोई फर्क नहीं मिलेगा भैया आपको ना? आप बस ट्राई करो, भैया से बात करो, अगर कॉल जो भी होगा जेन्युइन भैया, कोई गाड़ी खुलने के बाद ये नहीं कि भैया आपकी 800 की ये लगनी है, 500 की वो लगनी है, ऐसा कुछ नहीं भैया, जो होगा वो बेस्ट प्राइस देंगे भैया आपको। ठीक है, और एक बार जाके मेरा चैनल एक्सप्लोर करके वहाँ पे लिख देना स्विफ्ट सफर एक लिख देना या स्विफ्ट माही कार एसेसरीज लिख देना, आपको असलियत पता चल जाएगी कितनी गाड़ी भैया ने रेडी कर दी है, कितने हैप्पी कस्टमर है और कितनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है हमारी गाड़ी में, खुद से लगे हुए हैं तो इसके अंदर आज और तक ये जो भी चीज़ है भैया ये हमारे पास रेडीली स्टॉक है, ये हमारे हमको ये नहीं कि वीडियो में डालने के हम ये अलग से लेके, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास रेडीली स्टॉक अवेलेबल होता है। आप आके बोलोगे मेरे को 5 हेडलाइट ये दे दो, ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो, टेल लाइटें जितने चाहिए वो सब ले लो आप। आज की डेट में अगर 5 गाड़ी एक साथ भी निकाल रहे हो ना, 5 की 5 लगा दो, तो हम तो भैया करते ही है ना, एक एक दिन में कई बार ऐसा होता है 5वीं गाड़ी आती है, तो 12-12, 15-15 भी करी है एक एक दिन में, मंडे वाले दिन यानी कि जिस दिन पूरे मार्केट क्लोज होती है उस दिन हमने 12-12, 15-15 गाड़ी करी हुई है। अब तो खैर देखो इस वाले स्विफ्ट की ट्रेंडिंग थोड़ी कम हो रही है तो इस वजह से है, तो अब सब तैयारी नए वाले नई वाली की तैयारी में लग गए, तो उसका भी जो एसेसरीज वगैरह होगी वो मैं होप करता हूँ कि सबसे पहले आपके लिए लेके आऊँ, है ना, जो भी चीज़ उसके अंदर इंस्टॉल होगी, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ धमाकेदार चीज़ लेके आऊँ विद ऑफर्स के साथ और विद कुछ ऐसी एसेसरीज के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए भैया को कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जवाब नहीं देते शॉप पे चले जाओ बिना किसी बोले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप वहाँ प्राइसिंग आप बोलो भैया काम मैं करके दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, प्राइसिंग मतलब आप आओ बताओ कि भाई ये सारी चीज़ें लगवानी है, भैया आपको शेयर कर देंगे, अगर बिल्कुल बातचीत बनेगी तो आपकी गाड़ी में जो काम होगा आप इतना हैप्पी होके जाओगे कि परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी परेशान नहीं हुआ। अगर मैं मेरी गाड़ी का भरोसा, अगर मेरी गाड़ी ये वाली आपको खड़ी हुई नजर आती है तो आप कभी भी आओ, कोई भी चीज़ चेक करो। अब एक चीज़ और भी देखा भैया, मैं जो इधर आके देख रहा हूँ, हम तो क्या इतना 4-5 साल से स्विफ्ट कर ही रहे हैं, तो अब आके इधर आके क्या हुआ, जब से लोग ना मतलब क्या हुआ है कि मेन प्राइसिंग पे देखने लगे, तो प्राइसिंग में क्या होता है कि एक ही चीज़ बार बार लगती जाती है। हाँ सही बात है कि चीज़ें तो इतनी आती है ना, एक ही गाड़ी की 4 से 5 तरीके की हेडलाइट है, लेकिन सब गाड़ी में लगती यही वाली है 14,500 की। भैया चक्कर फर्क वहाँ पे मिलेगा भैया, देखो कहीं भी जाओ, मेरे से मत कराओ, कहीं भी जाओ वहाँ पे जाके ना बोलो भैया 4 से 5 डिजाइन आता है वो मुझे दिखाओ, सारे दिखाओ, नॉर्मल सी बात है भैया। अगर आपने इसकी DRL की ब्राइटनेस देख ली ना तो भैया आप ये वाली नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे। अगर इसकी DRL की ब्राइटनेस देख ली तो आप ये वाली नहीं लगाओ, क्योंकि इस वाली हेडलाइट में कमी एक है, कमी क्या है, इसमें भाप बनता है, वो चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं भैया, सारी चीज़ें देखो तब उसके बाद वो चीज़ लगवाओ भैया। कल को आप ये ना बोलो कि यार भाई मेरे को तो उसने ये बंदे ने ऑप्शन ही नहीं दिया था, मैंने क्या बोला कि अगर भैया मैं एक ही चीज़ दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं है बंदे के पास, तो वही बढ़िया है ना, नॉर्मल सी बात ये है। इस मतलब इस टाइम पर हमारे पास ऐसे कई सारे कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने काम कहीं और करा लिया और उसके बाद वो परेशान होकर आए, और उन्होंने जब चीज़ें बताई ना ये चीज़ होती है, तो भैया ने बोला भैया ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी शेयर करता हूँ, शायद अगर आपने ध्यान दिया नहीं होता दिया, तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ भैया, क्या होता है ना अब इधर आके हमने क्या देखा, स्विफ्ट हम इतने टाइम से तैयार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्विफ्ट में आप जो भी देखो तो हेडलाइट यही दिखी मिलेगी, लगी हुई दिखेगी, लेकिन ये थोड़ी कि भाई यही अच्छी हेडलाइट है यार, 14,000-14,500 की हेडलाइट अच्छी होगी तो फिर 20,000 के प्लस वाली हेडलाइट क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर यही का फेस करो क्या भाई, नई गाड़ी में क्या होता है 2-4 महीने में कुछ दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाद में वही होता है भाप, बाद में क्या भाप तो अभी बनेगी, अभी जून जुलाई आने वाला है, देखना भाप कितनी बनेगी, इसमें दिक्कत आती है भैया। तो भाई आप या तो एक काम कर लो भैया, जो दुकानदार दे रहा है इतना ट्रस्ट करके ना, मैं नहीं देता भैया इसे हेडलाइट की वारंटी, हम लोग HID LED की वारंटी दे देंगे, हेडलाइट की नहीं देंगे। अगर किसी को इतना ट्रस्ट है तो उससे पूछ लो भाई तू हेडलाइट की गारंटी लिख के दे दे, आप लगवा लो भैया कोई दिक्कत नहीं, और इसकी गारंटी देते हैं हम लोग, आप मेरे से लिख लो 1 साल लिख के देता हूं, 2 साल भी कर दूंगा भैया कोई दिक्कत। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है माही कार एसेसरीज पर, कुछ भी चीज आपको रेडी करवानी है अपनी गाड़ी के अंदर, चाहे वो काम हो बेस का, मतलब कोई बजटेड काम भी हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बजटेड काम के लिए हेडलाइट टेल लाइट और अंदर अपनी पावर विंडो, एक अपना सेंटर लॉकिंग, 4 स्पीकर और 1 एंड्रॉइड लगाकर भाई लोग हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस भाई ने पूरी रेडी करानी है तो उसके लिए पूरी वीडियो दिखा दी मैंने, और जिस और इसके साथ कुछ स्पॉयलर्स आते हैं, इसके मॉन्स्टर स्पॉयलर आता है, बैटमैन आते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है आज के टाइम पे, नॉर्मल कॉस्ट पे आपको मिल जाते हैं। कंपनी वाला जो स्पॉयलर आता है वो भी अवेलेबल है इनके पास, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ रखवानी या हम खुद वैसी, और कोई भी एक बार कोई भी इस रेंज की गाड़ी 40,000 में रेडी नहीं होती, सही बात है, बस नहीं होगी भाई। आपको लोगों को प्राइस जो बताया है उनको जोड़ लेना एक बार, नहीं हो सकती, नहीं है ना, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोग जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप लोग मतलब मेरी तरफ से तो आपको, आप लोगों के लिए बहुत प्यार है, जब भी मैं मिलता हूँ आप लोगों से तो भाई आप लोग मतलब ये आंख बंद करके काम करा लो, ये समझ के कि सफर भाई ने बोला या मनीष भाई का विश्वास है, कुछ भी समझ के काम करा लो आप लोग, बस आपकी नहीं आ पा रहा है गाड़ी, आपकी आर पारी चलेगी। और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत परेशानी भी आती है तो वो भी मतलब आफ्टर सेल्स भी देखना होता है, वो तो आफ्टर सेल्स उसके लिए क्या रहता है, तो वो हमेशा माही कार का ऑन टॉप ही रहा है, कभी कोई दिक्कत आई है तो वो आप लोगों को करके दिया गया, चाहे कुछ भी हो। करते हैं भाई वीडियो के एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई, एक चीज़ और भी है छोटी सी,
स्टीरियो के बारे में बता दो कितने से स्टार्टिंग है भैया। स्टीरियो अगर आप बोलोगे 4000 का तो मैं 4000 का भी लगाऊंगा, 5000 बोलोगे 5000 का भी लगाऊंगा, और नहीं बोलोगे अच्छा चाहिए तो भाई 15 का भी लगेगा और 20000 का भी लगेगा। हमने लाउडरडेल डाला 900, तो अभी फोन आया 2 दिन पहले कस्टमर्स का, देखो लाउडरडेल 900 जो हमने लगाया था कारप्ले वाला वो 4/32 में था जो हमने दिखाया था, ठीक है उसका रेट हम लोग 20,500 बता। एक ने फोन किया अभी भैया ये तो 16,500 का मिल रहा है, भाई वो 2/32 आता है। देखो भैया फर्क होगा, हम 16,000 वाली चीज 20,000 की नहीं देंगे आपको, ये चीज आप ट्रस्ट कर लो। हर चीज पूछो तो उसकी क्लेरिफिकेशन हो जाएगी भैया। सही बात है, बहुत चीजों का फर्क है यार, आप लोगों को बस घुमाया जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। करते हैं भाई वीडियो का एंड। अब तो क्या हुआ भैया, स्विफ्ट ना बहुत लोग करने वाले हो, बहुत लोग इन द सेंस चलती हुई गाड़ी पे हाथ देते हैं तो कस्टमर्स को लगता है क्या, जैसे हमारे पास कई कस्टमर पहुंचते हैं या किसी के पास भी पहुंचते हैं, वो कहते हैं भाई हमें ना रास्ते में इतने हाथ दे रहे थे, हम वहाँ नहीं रुके, हम आपके पास आए। लेकिन भैया सारी चीज़ें देखो कि कौन कर क्या रहा है, फिर उसके बाद में बात करो भैया। और कभी भी आप माई कार पे आओगे तो कोई आपको ऐसे हाथ देता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हम लोगों का अपने काम पे विश्वास है, क्वालिटी पे विश्वास है, और जो हम प्राइसिंग देते हैं उस पे विश्वास है। तो उस विश्वास के साथ आपका मोस्ट वेलकम है, आप लोग विजिट कर सकते हो मनीष भैया। कहीं भी जाओ सारे ऑप्शन देखो, नॉर्मल सी बात है, फिर काम करा। सही बात है, तो करते हैं भाई वीडियो ग्रैंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई एसेसरीज या स्विफ्ट की वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दू उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जप तपहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने डमरू फाड़ा।